तिमोथियुस की पत्री एक अध्याय उसके एक और दो पद लिखा है, पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धार करता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमोथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। ध्यान दीजिए, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पौलुस तिमोथियुस के साथ अपने संबंधों के महत्व को उजागर करता है और पहले भी उसने ऐसा किया है। इफिसियों की कलीसिया को लिखे अपने पत्र एक अध्याय के एक पद में वह लिखता है, पौलुस परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। अब आज्ञा और इच्छा में क्या अंतर है? दोनों एक तो हैं, परंतु पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, बाइबल में व्यक्त सब आज्ञाएं परमेश्वर की इच्छा प्रकट करती हैं। यह 10 आज्ञाओं से कहीं अधिक हैं। उदाहरण के लिए लिखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ऐसी अनेक बातें हैं जो परमेश्वर की इच्छा हैं और उसकी आज्ञाओं में व्यक्त है। जी हाँ, मेरे विचार में परमेश्वर की हर एक इच्छा हम पर प्रकट नहीं है, धर्मशास्त्र की सब आज्ञाओं में भी नहीं है। अतः परमेश्वर की इच्छा आशा की तुलना में एक व्यापक शब्द है। तथापि स्मरण रखें कि हम पर परमेश्वर की इच्छा बहुतायत से प्रकट है कि मनुष्य आज्ञाओं के पालन ही से उद्धार नहीं पाता है। इस तथ्य को दोहराना आवश्यक है क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि उद्धार के लिए मूसा की व्यवस्था अनिवार्य है। पद 8 में पौलुस लिखता है, हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रूप से काम में लाए तो वह भली है। हम मूसा की व्यवस्था को कैसे व्यवहार में लें? पहले तो हमें यह देखना होगा कि व्यवस्था भली है, जैसा पौलुस रोम की कलीसिया को लिखते हैं, रोमियों की पत्री 7 अध्याय उसके 12 पद में, व्यवस्था भली है और आज्ञा भी ठीक है और अच्छी है। यह सच है कि व्यवस्था भली है और मनुष्य से जिसमें कुछ भी अच्छाई नहीं परिशुद्ध एवं पूर्ण आज्ञा पालन चाहती है, जिसके पालन में पापी मनुष्य सक्षम नहीं है, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है कि हमारी देह में कुछ भी अच्छाई वास नहीं करती है। परमेश्वर की व्यवस्था या आज्ञाएं हमें इसलिए दी गई थी कि हम परमेश्वर की इच्छा प्रकट करें, अर्थात हम पर परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो और हम पर यह प्रकट किया जाए कि पापी को उद्धार पाने के लिए व्यवस्था से हटकर एक और मार्ग अपनाना आवश्यक है। इस तथ्य को समझना ही व्यवस्था को वैधानिक रूप से अपनाना है। मेरे मित्रों, सुसमाचार की महिमा यह है कि वह प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले के लिए धर्मी एवं न्यायकर्ता ठहरे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 38 और 39 पद में पौलुस ने प्रचार करते समय यह कहा था, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों के क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। मूसा की व्यवस्था के आधार पर मनुष्य निर्दोष क्यों नहीं ठहरता है? क्योंकि वह मृत्यु लाती है, अर्थात व्यवस्था दोषी ठहराती है। व्यवस्था हमारे उद्धार के निमित्त न थी और न है,
परंतु वह इसलिए है कि प्रकट करे कि परमेश्वर महापवित्र है और हम पवित्र नहीं हैं। अतः परमेश्वर ने हमारे उद्धार का जो मार्ग चुना वह क्रूस का मार्ग था, प्रभु यीशु का मार्ग था। यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूँ। वह कहता है, जीवन और सत्य मैं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 6 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मेरे मित्रों, व्यवस्था परमेश्वर के निकट आने का मार्ग नहीं है, परमेश्वर के पास आने का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। अतः जब पौलुस इफिसुस के विश्वासियों को लिखता है कि वह परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तो वह अति सत्य कहता है। परंतु जब उसने इसे युवा सेवक को लिखा, मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित, तो उसके कहने का अर्थ है कि आज मैं यदि प्रेरित हूं तो वह परमेश्वर की इच्छा ही से नहीं, परंतु उसकी आज्ञा के अधीन भी प्रेरित हूं। मेरे विचार में पौलुस प्रेरित होने की इच्छा से संभवतः दूर भागता होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसने मूसा के समान परमेश्वर को बहाने सुनाए होंगे। वह अन्य 11 प्रेरितों के समान प्रभु यीशु की संगति में नहीं रहा था। वह उसके सांसारिक जीवन में उससे परिचित नहीं था। वह तो उसे केवल महिमामय प्रभु के रूप में ही जानता था। उसने तो स्वयं कहा था कि वह प्रेरित होने के योग्य नहीं है, परंतु प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा दी, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। जी हाँ, यही कारण था कि पौलुस किसी आराधनालय में या एथेंस के भावी कहने वालों के मध्य जा सकता था या कुरिंथ के पतित एवं भ्रष्ट पापियों में जाकर सुसमाचार सुनाने के योग्य था। वह आज्ञा पालक था और एक सैनिक था। वह आज्ञा देकर भेजा गया था। जी हाँ, उसे नियुक्त करके नहीं। पौलुस को प्रेरित बनाने के लिए किसी ने उसके सिर पर हाथ नहीं रखे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे व्यक्तिगत अधिकार दिया था। मेरे प्रियो, यर्मिया को भी ऐसा ही अधिकार दिया गया था। वह एक शर्मिला मनुष्य था, एक दुखी मनुष्य था, परंतु उसने खड़े होकर परमेश्वर के अति कठोर वचन को सुनाए। वह ऐसा कैसे करने पाया? वह आज्ञाओं के अधीन एक सैनिक था, परमेश्वर की आज्ञा के अधीन। जी हाँ, जब एक सैनिक को उसके अधिकारी आज्ञा देते हैं तो वह उस आज्ञा का पालन करता है, और ऐसा ही पौलुस ने भी किया, यर्मिया ने भी किया। आज भी परमेश्वर का वचन सुनाने वाले के पास अधिकार होना चाहिए, या फिर वह चुप रहे तो अच्छा है। यदि कोई प्रचार मंच पर खड़ा होकर कहे, यदि आप एक चलन में विश्वास रखते हैं तो शायद उद्धार पाएं, या कहें, आप एक प्रकार से यीशु पर विश्वास कर लें, ऐसे घटिया मनुष्य को परमेश्वर के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। पौलुस परमेश्वर के अधिकार से संपन्न था। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, क्या परमेश्वर हमारा उद्धारकर्ता है? निश्चय ही वह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने बलिदान का प्रबंध किया और प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर उसे पूरा किया। हमारी आशा के आधार मसीह यीशु हैं। यह बात आपको विचित्र प्रतीत होती है, क्योंकि धर्मशास्त्र में यह बात प्रायः पाई नहीं जाती है। केवल कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 27 पद में ही एक और स्थान है जहां यह लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रभु यीशु ने आपको बचाने के लिए अपनी जान दी और आपको उद्धार की अवस्था में रखने के लिए वह आज जीवित है। मेरे प्रियो, वह एक दिन आएगा और आपको अपने साथ ले जाएगा और उद्धार को पूर्ण करेगा।
पीछे देखें तो वह हमारा विश्वास है। आज हमारे चारों ओर ध्यान दें तो वह प्रेम है, और भविष्य को देखें तो वह हमारी आशा है, वरन हमारे संपूर्ण जीवन, हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में आधारित है। हम देखते हैं तीमुथियुस, इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर का प्रिय। वह परमेश्वर का प्रिय जन तो था ही, वह पौलुस का भी अति प्रिय था और स्थानीय कलीसियाओं का भी प्रिय था। मेरे मित्रों, प्रेरितों के काम, इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ते हैं कि उसका पिता यूनानी था और उसकी नानी लोइस और उसकी माता यूनिके उसके समक्ष ही विश्वास में आई थी। वह लुस्त्रा में रहता था जहां पौलुस को पत्थरवाह किया गया था। मेरे विचार में उस समय पौलुस मरकर जी उठा था। इन सब बातों का तीमुथियुस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मन परिवर्तन हुआ। एक जवान होने के कारण वह शायद संशयवादी था, परंतु पौलुस के साथ घटी इस घटना ने उसे अस्वस्थ किया और उनका मन परिवर्तन हुआ। मन फिराव के बाद वह पौलुस का प्रगट अनुयायी हो गया। जी हाँ, तीमुथियुस एक प्रतिष्ठित जन था। हम प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 2-5 पद में इसे पढ़ते हैं। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। तीमुथियुस पौलुस के साथ सेवा करता था, और तीमुथियुस की निष्ठा एवं कर्मठता को देख पौलुस ने उसे अपने विश्वास पात्रों में गिना, जबकि कलीसिया में कुछ भाई झूठे सिद्ध हुए और उन्होंने पौलुस का साथ भी छोड़ दिया था। मेरे मित्रों, कलीसिया में अच्छे मित्र पाना पादरी का सौभाग्य होता है। मेरे वर्षों की सेवा में मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखे हैं जो आज तक प्रभु के साथ चलते हैं और मेरे निष्ठावान एवं विश्वास योग्य मित्र हैं। पौलुस अपने साथियों पर विश्वास नहीं कर सकता था, परंतु तीमुथियुस पर उसे पूरा पूरा भरोसा था। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 19-23 पद में वह तीमुथियुस के लिए लिखता है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई भी नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। पौलुस कहता है, विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। प्रभु यीशु को ग्रहण करने में पौलुस ने तीमुथियुस का मार्गदर्शन किया था और उनमें बहुत घनिष्ठता थी। हम देखते हैं, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। यह पौलुस के अन्य पत्रों के अभिवादन जैसा प्रतीत होता है। जी हाँ, पौलुस अनुग्रह और शांति शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु यहाँ हमारे पास एक और शब्द है, दया। दया शब्द पुराने नियम में काम में लिया जाता था और वह अनुग्रह के तुल्य है। पुराने नियम की बलि ने परमेश्वर के पवित्र, धर्मी और न्याय सम्मत सिंहासन को दया आसन बनाया था। मेरे मित्रों, परमेश्वर के निकट आकर हम न्याय की खोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां दोषी ठहराए जाएंगे।
हमें परमेश्वर से जिस बात की आवश्यकता है वह है उसकी दया, और परमेश्वर ने सब प्राणियों के लिए दया का प्रावधान किया है। आपको जितनी दया चाहिए परमेश्वर के पास है, तथापि दया वैसे ही है जैसे बैंक में रखा आपका पैसा या रुपया, जो चेक लिखे बिना काम में नहीं आता है। यहां आपका चेक विश्वास का चेक है। परमेश्वर दया का धनी है, परंतु आपके उद्धार के लिए उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। परमेश्वर आप पर दयावान है, और आप पर ही नहीं संसार के सब पापियों पर भी दयावान है, यहां तक कि उसके निंदकों और उसका त्याग करने वालों और उससे फिर जाने वालों पर भी वह दयावान है। वह धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। वह अपनों के साथ भी पक्षपात नहीं करता। आज पापी धनवान और समृद्ध होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वे परमेश्वर के भक्तों से अधिक अच्छे हैं। परमेश्वर पापियों के साथ दयावान है, परंतु जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं तो आपको विश्वास का कदम उठाना है। जी हाँ, विश्वास का चेक लिखें और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार होगा। ये तीनों शब्द प्रेम, दया और अनुग्रह एक प्रकार का त्रिएकत्व है, 3-in-1 है। परमेश्वर का प्रेम उसकी दया और उसके अनुग्रह के अभ्यास से ही पूर्व उपस्थित था। परमेश्वर प्रेम है, यह उसका स्वभाव है, उसका गुण है। परमेश्वर की दया वह है जो पापी मनुष्य की आवश्यकता के लिए प्रबंध करती है, अतः अनुग्रह उसमें वह गुण है जो निर्मोल उद्धार प्रदान करती है, क्योंकि उसकी पवित्रता की अनिवार्यताएं सदा ही पूरी हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर दयावान है, आप उसके पास आ सकते हैं और वह अपने अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार करेगा। आपको उसके लिए भेंट लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो कुछ लाएंगे वह परमेश्वर के सामने एक मैले चिथड़े के समान होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम उसके सामने एक मैले चिथड़े के समान हैं। अर्थात हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। मेरे प्रियो, भले काम करने वाला सोचता है कि उसे परमेश्वर की दया की आवश्यकता नहीं है, उसके विचार में वह कर्मों द्वारा उद्धार पाएगा। एक मरणहार मनुष्य ने मुझसे कहा, प्रचारक महोदय, आपको मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की आवश्यकता है और कि मुझे परमेश्वर के अनुग्रह तथा दया की आवश्यकता है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं जैसा हूं वैसा ही उसके समक्ष खड़ा होने के योग्य हूं। और फिर उसने अपने कर्मों की गाथा मुझे सुनाई। वह समाज सेवा, अनाथालय तथा अनेक अन्य परोपकारी सेवाओं में वह सहभागी था। ओह, वह एक परोपकारी था और परमेश्वर के समक्ष उसी के आधार पर खड़ा होना चाहता था। मेरे मित्रों, कर्मों द्वारा उद्धार आपकी आवश्यकता में कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का उद्धार निसंदेह भले काम करने में आपकी सहायता करेगा, ऐसे भले काम जो परमेश्वर के समक्ष ग्रहण योग्य हैं। मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में मैले चित्रों के समान है। पौलुस यहां जो कहता है, वरन अपने सब चरवाहे के पत्रों में जो कहता है, वह उसकी अन्य पत्रियों में कहीं भी नहीं पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अपने सार्वजनिक प्रचार और लेखों की तुलना में उसने इन दोनों सेवकों को घनिष्ठता में तथा व्यक्तिगत रूप में यह पत्र लिखे हैं। क्या आप में यह हार्दिक इच्छा उत्पन्न नहीं होती कि काश आप भी पौलुस के साथ प्रचार यात्राओं में होते और आपको भी
अवसर प्राप्त होता कि आप उस महान प्रचारक को उसका मन मस्तिष्क खोलते हुए देखते। मेरे मित्रों, परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य है और तीमुथियुस को लिखे पौलुस के पत्र द्वारा हमसे आज भी बातें कर रहा है। यद्यपि तीमुथियुस को लिखा प्रथम पत्र व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ है, उसका अभिप्राय कलीसिया के प्रबंध से है, अर्थात स्थानीय कलीसिया जो समुदाय में स्वयं को विश्वासियों की देह प्रकट करती है, उसकी व्यवस्था से है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं। शायद मुझ में उपस्थित सेवक यह कह रहा हो कि प्रत्येक विश्वासी को कलीसिया का सदस्य होना आवश्यक है, उसे स्थानीय कलीसिया के साथ अपनी पहचान बनाना आवश्यक है। तब वह कहता है, पिता परमेश्वर। परमेश्वर पौलुस का पिता था, वह तीमुथियुस का भी पिता था, और आज यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो वह आपका भी पिता है। वह मेरा पिता है क्योंकि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और मैं परमेश्वर के परिवार में पाला पोसा गया हूं। यह कैसा महान सौभाग्य है। पौलुस एक यहूदी फरीसी था और उस समय उसे परमेश्वर को पिता कहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं था। कहता है, हमारे प्रभु मसीह यीशु। स्थानीय कलीसिया में कुछ भी किया जाए तो केवल प्रभु यीशु के नाम में किया जाए या उसकी आज्ञा के अनुसार किया जाए। वह कलीसिया का सिर है, वह प्रभु है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझे हे प्रभु तो कहते हो परंतु मेरी आज्ञा नहीं मानते। मेरे प्रियो, क्या वह आज हमसे भी ऐसा ही कहता है? उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि न्याय के दिन अनेक लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में यह नहीं किया, वह नहीं किया? हम तो तेरे लिए दीमकों की नाई व्यस्त थे। और वह उनसे कहेगा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं कि तुम यह सब मेरे नाम से करते हो, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा की खोज नहीं की, तुमने मेरी आज्ञा मानने का प्रयास नहीं किया। हमारा उससे प्रभु कहना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु की आज्ञा भी मानना है। आइए आज हम अपने आप को परमेश्वर के इस वचन के प्रकाशन में देखें। क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हूँ, या मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं करती हूँ, लेकिन क्या मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ? मेरे प्रियो, आज पौलुस के इस पत्र के द्वारा से मुझे और आपको स्मरण दिलाया जा रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को न केवल सुने, न केवल समझे, परंतु उस वचन के अनुसार चलें, उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि हमारे जीवन में उद्धार के वो आनंद जो हमारे पास होने हैं हम पा सकें।